में अंजुमन इतिहादुल मुसलमीन ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। अंजुमन के अध्यक्ष पानी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले हाजी साबिर मसूदी पूर्व पार्षद ने अंजुमन इतिहादुल मुसलमीन के सभी सदस्यों व मुस्लिम समाजजनों ने मंगलवार शाम 7 बजे पुराना केंद्र थाने के सामने फिर एक बार अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी कार्यशैली को प्रदूषित करते हुए हिंदू मुस्लिम दो धर्मों के पर्व परशुराम जयंती ईद उल फितर के अवसर पर निकले जुलूस का भव्य स्वागत किया गया, जिसके तहत परशुराम जयंती के अवसर पर निकले भावी शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ ही समाज जनों का साफा बांधकर शीतल जल उनके हाथों में समर्पित कर भव्य स्वागत किया गया। गंगा जमुना की तहसीब से ओतप्रोत नीमच में एक बार फिर हुआ मिशाल कायम करते हुए एक तरफ केशरिया तो दूसरी तरफ लहराते हरे व तिरंगे झंडों के साथ निकले जुलूस जलसों का अंजुमन इतिहादुल मुसलमीन द्वारा स्वागत और दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। एक ओर जहां भगवान परशुराम जयंती के भव्य जुलूस का स्वागत हुआ तो वहीं दूसरी ओर ईद के खुशनुमा मौके पर निकले भावी अखाड़े और जुलूस का इस्तकलबाल किया गया। इस अवसर पर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदस्य अखाड़े के उस्तादों खलीफाओं का पुष्प माला पहनाकर दस्तारबंदी की गई। कल शहर में हिंदू मुस्लिम जनों के एक साथ संपन्न हुए पर्व के दौरान अंजुमन इतिहादुल मुसलमीन की जानिब से जिस प्रकार का दस्तारबंदी एवं स्वागत सत्कार का कार्यक्रम किया गया, ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनों तक पहुंची तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहे जाने वाले नीमच में एक अच्छा संदेश आमजन के बीच पहुँचा। गंगा जमुना की तहसीब से ओतप्रोत इस आयोजन को जिसने भी देखा सभी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा था और सभी वर्ग के लोग अंजुमन इतिहादुल मुसलमीन के द्वारा किए गए आयोजन को लेकर काफ़ी मंत्रमुग्ध होकर जगह जगह दस्ताबंदी और स्वागत सत्कार के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए देखे गए। कल संपन्न हुए जुलूस जलसों के आयोजन के दौरान पटेल चाल में भी मुस्लिम समाजजनों ने दोनों ही धर्म के जुलूस का स्वागत किया।